दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बंपर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी चल रही है। मैं फिर से बता देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपको यहाँ सामने दिखाई दे भी रहे होंगे, TGT के सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। कुल पद 6,329 हैं जिनके लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिए और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस बंपर सरकारी शिक्षक भर्ती 2023 का। ये दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, पदों का विवरण देखिए। TGT टीचर्स के 5,660 पद हैं। हॉस्टल वार्डन मेल के 335, फीमेल के 334, कुल 6,329 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आ गई है। TGT हिंदी में कुल 606 पद हैं, इंग्लिश में 671, मैथ के 686, सोशल स्टडीज के 670, साइंस के 678, कुल 3311 पद। तो ये है, मैं फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल 100% परमानेंट जॉब है दोस्तों ये। इसके बाद TGT में जो थर्ड लैंग्वेज आती है, ग्रुप बी की पोस्ट है, बंगाली के 10 हैं, गुजराती के 44, कन्नड़ के 24, मलयालम के 2, मणिपुरी के 6, मराठी के 52, उड़िया के 25, तेलुगु के 102, उर्दू के 6, मिजो के 2, संस्कृत के 358 और संताली के 21। कुल 652 पद ये हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। TGT म्यूजिक के 320, आर्ट के 342, PET मेल के 321, PET फीमेल के 345, लाइब्रेरियन के 369, कुल 1697 पद ये हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, बाकी PET के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो CTET की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी शायद म्यूजिक और आर्ट के लिए भी CTET कंडक्ट नहीं कराया जाता है, तो इनके लिए भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों TGT टीचर्स की ये बंपर भर्ती आ गई है और जो ये रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट आ रही है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए। ये देखिए दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS रिक्रूटमेंट 2023 नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन तो दोस्तों काफी पहले ही आ गया था, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि भी इनकी जा चुकी थी, पर पोर्टल दोबारा से ओपन किया गया है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया था तो एक मौका आपके पास और है। 19 अक्टूबर 2023 तक अब आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। TGT के लिए एप्लीकेशन फीस 1500, हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। आप इन तिथियों पर मत जाइएगा। 19/10/2023 आवेदन करने की अब अंतिम तिथि है। पोर्टल ओपन है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप पे स्केल देखिए, TGT का पे स्केल है लेवल 7 44,900 से 1,42,400, म्यूजिक आर्ट PET मेल और फीमेल का 35,400 से 1,12,400, हॉस्टल वार्डन का 29,200 से 92,300 ये पे स्केल है। ऑफलाइन ही आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो और CTET भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। अपर एज लिमिट 35 साल है अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। वुमेन कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में सीधा 10 साल की यहां छूट दी जा रही है। तो बड़ी ही अच्छी ये खुशखबरी है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्हें 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस है उन्हें 5 साल की, और UT ऑफ जम्मू कश्मीर से जो डोमिसाइल्ड कैंडिडेट है एक 1980 से 1/12/1989 के बीच के उन्हें 5 साल की। वुमेन ऑल कैटेगरीज ओनली इफ अप्लाइंग फॉर TGT पोस्ट 10 साल की छूट दी जा रही है। PWDs अगर SC ST से तो 15 साल, OBC से 13 साल, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट यहां दी जा रही है। तो दोस्तों ये बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से ओपन की गई है। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in। तो ये देखिए दोस्तों, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट ऑफ ESS 2023 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 19 अक्टूबर 2023। हाँ जी दोस्तों, 19 अक्टूबर 2023 तक अब आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट फिर से देखिए emrs.tribal.gov.in।
यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, यहाँ इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचाएं थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।